जय भोलेनाथ। मैं हूं मुकुल कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड में। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह को इतिहास से लेकर अब तक कहा जाता है दमामी मठ। ये बाबा भोलेनाथ ईशाननाथ जी का मंदिर है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज भी इतिहास एक ही बात कहता है, महाकाल जहां जहां मौजूद थे और जहां जहां पर है वहां पर तरक्की से लेकर हर चीज अपने आप ही मौजूद होती है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसे कौन सी कारण है जिसकी वजह से आज इस मठ में सब कुछ होने के बावजूद भी वो रौनक नहीं है जो होना चाहिए था। आइए अंदर चलते हैं और यहां के मंदिर को देखते हैं। यह है हमारा प्राचीन मंदिर जिनका नाम है दमामी मठ, जहां पे विराजमान करते हैं हमारे ईशाननाथ जी। यह है हमारे दमामी मठ के अंदर ईशाननाथ महाराज जी का शिवलिंग, जो इतिहास में यह कहा जाता है कि ये शिव पुराण में इसकी चर्चा की गई है और कई हजार साल पहले की शिवलिंग है। आइए और इसके आगे बढ़ते हैं। यह है मां पार्वती जी का मंदिर। आइए यहाँ के कुछ भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बाबा आप यहाँ पे लगभग कितने टाइम से पूजा करने के लिए आ रहे हैं? कितने साल से? लगभग 10 वर्ष से। 10 वर्ष से। इस मंदिर की क्या खासियत है? बहुत खासियत है इसमें, बताइए। मैंने जो अपने मन में कहने का मतलब सोच कर आते हैं वो महादेव पूरा करते हैं। बाबू इनको महिमा आगम बाढ़ है। बाबू कितना अच्छे से आए हैं लेकिन को था नहीं है। बाबू इनका जो इच्छा होता है सब सब पूर्ति करता है महादेव। आप कितने साल से यहाँ पूजा करने आ रहे हैं? बहुत दिन से। इस मंदिर के जो हालात हैं, जो जैसा ही हम देख रहे हैं शुरू से ऐसा ही है। हाँ। यहाँ पे इस मंदिर के और आगे बढ़ाने के लिए, इसके तरक्की के लिए यहाँ पे कोई कार्य किया जा रहा है या कोई कर रहा है कि नहीं? सब करता है। करता है? हाँ करता है, जिसका भला होता है सब करता है। अच्छा। हाँ जिसका जो मन में मनकामना पूरा करता है सब बाबा सदा पूरा करता है। ये दमामी मठ के सामने जो हनुमान मंदिर है, बजरंग बली जी का मंदिर, ये उनके महंत है। आइए इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। तो बाबा बताइए यहाँ के मंदिर के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? यह जानते हैं जैसे जैसे बारही का जैसे बारही सौ का ईस्वी का जैसे हुआ घंटी टंगा हुआ है। अच्छा, ये जो यहाँ पे बाबा जी का बाबा का ये घंटा लगा हुआ है, ये घंटा 1200 ईस्वी का है ऐसा लोगों का कहना है और इस पे दिनांक भी अंकित है। बताइए बाबा मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर तो बहुत पुरानी है। कितने साल पुराना है? 1200 बोला है। अच्छा, हमारे हनुमान जी लगभग कितने साल से पूजा करने का है? हम लोग करीब करीब आ रहे हैं 32 साल। 32 साल से? ठीक। और वैसे तो हम लोग के पूर्वज यहाँ सनातनी धर्म है, यहाँ तो एक गया एक आया एक गया एक आया। मंदिर के बारे में बताइए कुछ, यहाँ के जो शिवलिंग है उनके बारे में बताइए। उनको बारे में हम क्या बताए, तो 1200 पहले घंटा पर लिखा हुआ है। अच्छा, जो बाबा सब हम लोग के कहे। हाँ हाँ, तो वही ना बतलाएंगे, दूसरा तो हम लोग जानते नहीं है कि कितना दिन पहले का है। आप लोग लगभग कैसे साल से देख रहे हैं? हम लोग तो 60 साल के हैं। 60 साल से देख रहे हैं। 60 साल से देख रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया ये लगभग 60 साल से ये खुद देख रहे हैं। हाँ। और इससे पहले भी इनके पूर्वज देखते हुए आ रहे हैं। ये जो हम घंटा देख रहे हैं ये 1200 ईस्वी के आसपास का है। ये घंटा जो है जो ऊपर में लगा हुआ है, ये घंटा जलेश्वर स्थान के श्री प्रतिगिरी ने बाबा ईशाननाथ दमामी के इस मंदिर में श्रद्धा स्वरूप लगाया था। और ये जो हम दूसरा घंटा देख रहे हैं बगल में है, ये घंटा जो है माची मकना के राम निवास शर्मा एवं उनकी पत्नी विभा शर्मा ने अपने स्वजनों एवं परिजनों के सहयोग से 3/3/2007 को यह घंटा 160 किलो का घंटा लगवाया था। और ये जितनी भी समाधि हम देख रहे हैं
ये यहाँ के महंतों की है। ये पोखर, ये वो पोखर है जो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, वहाँ का जल सीधे यही इसी पोखर में आता है।